हर साल हमारे करीबन 500 लोगों का प्रसादी होती है, लेकिन इस साल कोविड गाइडलाइन के अनुरूप हमने इतना बड़ा लंबा करके नहीं करके छोटा सा ही प्रोग्राम रखा है। जो यहाँ पे उपस्थित है उन्हीं को ही भोग दिया जाएगा। कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा प्रारंभ। कोलकाता के पंडितों ने नव पत्रिका घट भरने के साथ पूजा और बलिदान की रस्म की अदा। कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा का शुभारंभ आज महासप्तमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कर दिया गया। सप्तमी पर दुर्गा पूजा उत्सव प्रारंभ हुआ। कोलकाता से आए पंडितों ने बूढ़ा पुष्कर में स्नान कर नव पत्रिका स्थापना घट भर स्थापना की। पूजा प्रारंभ करने के साथ ही बलिदान की रस्म अदा की गई, जिसमें पेठा, गन्ना और केले का बलिदान किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बंगाली समाज की महिलाओं में भक्तों ने माँ दुर्गा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। बंगाली समाज के सेक्रेटरी तरुण चतुर्जी ने बताया कि कोविड की वजह से दुर्गा पूजा उत्सव का कार्यक्रम वृहद स्तर पर नहीं किया जा रहा। सूक्ष्म स्तर पर परंपराओं का निर्वहन करते हुए समाज के कुछ लोगों की मौजूदगी में ही दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक रस्मों को अदा कर माँ दुर्गा की आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है। शाम को संध्या आरती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोविड नहीं होता तो यहाँ लगभग 500 समाज बंधुओं का भोज होता। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब सूक्ष्म स्तर पर पूजा का कार्यक्रम ही किया जा रहा है। महाअष्टमी को भी पूजा, बलिदान, भोग, प्रसाद, आरती के आयोजन होंगे, सिंदूर खेला जाएगा। इसके साथ ही महानवमी व दशमी पर माता जी को विसर्जित कर दुर्गा उत्सव का समापन होगा। सप्तमी है, बंगाली समाज के तरफ से महासप्तमी के पूजा पाठ बंगाली धर्मशाला कचहरी रोड अजमेर में आरम्भ किया गया है। घर स्थापना के साथ हमारे पूजा प्रारंभ हुआ है। हमने घट पंडित जी को साथ ले जाके, हमारे पंडित जी कोलकाता से आए हुए हैं, दोनों पंडित जी को हमने ले जाके बूढ़ा पुष्कर से स्नान करा के और नवपत्री का स्थापना के लिए नवपत्री को स्नान करा के घट भर के हमने यहाँ पे स्थापना करा है। इसके पश्चात यहाँ पे हमारे पूजा पाठ आरंभ हुआ है। पूजा पाठ के साथ साथ हमारे पूजा हुआ है, उसके बाद बलिदान हुआ है। बलिदान में पेठा, गन्ना और केले के बलिदान किया जाता है। इसके बाद हमारे पुष्पांजलि हुआ है। हम लोग समाज वाले जो है, जो सब ने पुष्पांजलि किया, माता जी के पुष्पांजलि किया। इसके पश्चात हमारे प्रसाद वितरित किया गया है। इसके पश्चात हमारे भोग लगा है। अभी भोग के बाद हमारे प्रसाद, भोग प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। हर साल हमारे करीबन 500 लोगों का प्रसादी होती है, लेकिन इस साल कोविड गाइडलाइन के अनुरूप हमने इतना बड़ा लंबा करके नहीं करके छोटा सा ही प्रोग्राम रखा है। जो यहाँ पे उपस्थित है उन्हीं को ही भोग दिया जाएगा। और इसके पश्चात हमारी शाम को जो है संध्या आरती होगी 8 बजे से, और कल फिर सप्तमी, आज सप्तमी है, कल अष्टमी की पूजा भी सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसके पश्चात वही बलिदान होंगे, इसके बाद पुष्पांजलि भी होगी, प्रसाद भी किया जाएगा। हर साल हमारे कल्चरल प्रोग्राम होता है बंगाली समाज के तरफ से, लेकिन गाइडलाइंस के अनुरूप जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो धर्मशाला है इसी के अंतर्गत हमने जो भी प्रोग्राम गाइडलाइंस के अनुरूप है छोटा मोटा करके ही कर रहे हैं। और इसके बाद नवमी के पूजा और दशहरे का भी जो हमारा जो पूजा पाठ है, दशहरे में हम विसर्जन करेंगे माता जी को, सिंदूरदान भी होता है। हमारे बंगाली समाज वाले जो महिलाएं हैं वो आपस में माता जी को पहले सिंदूर पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, इसके बाद आपस में सिंदूर खेलते हैं। लेकिन इस साल भी वही गाइडलाइंस के अनुरूप ही करा जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा। और जो भोग प्रसादी होता है या दशहरा मिलन समारोह होता है वो भी नहीं होगा। जो अपने शॉर्टकट में जो होना चाहिए, जो माता जी के ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए माता जी की पूजा तो अपन पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो आदर्श जो अपना कार्यक्रम है वो हम नहीं कर रहे हैं। मेरे तरफ से पूरा अजमेर वासियों को, बंगाली समाज को नवरात्र के बहुत बहुत बधाई।